सो so, hospitality वेलकम टू name चैनल योर i आई एम certified सर्टिफाइड and एंड hospitality ट्रेनर फ्रॉम इंडिया सो आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों से शेयर करूंगा होटल मैनेजमेंट कोर्स के बारे में कि ये होटल मैनेजमेंट कोर्स करना चाहिए कि नहीं चाहिए ये होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद ये जॉब गारंटेड कोर्स है कि नहीं है ये होटल मैनेजमेंट कोर्स खत्म करने के बाद आप लोगों को कहाँ पे जॉब लग सकता है कहाँ कहाँ पे आप लोग जॉब कर सकते हैं और ये फ्यूचर सिक्योर कर सकता है कि नहीं कर सकता है होटल इंडस्ट्री अच्छा है कि नहीं है टोटल ए टू जेड चीज मैं इस वीडियो में कवर करूंगा तो इस वीडियो को एंड तक देखना और जो लोग मेरे इस चैनल पे न्यू आए हैं मेक यू गाइज सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं तो देखिए गाइस कि ये होटल मैनेजमेंट कोर्स पहले बात करता हूँ होटल मैनेजमेंट कोर्स क्या है देखिए होटल मैनेजमेंट अगर मैं एक शब्द में बोलूं कि होटल मैनेजमेंट कोर्स कैसा है तो इट्स अ फैबुलस कोर्स गाइस ट्रस्ट मी बहुत ही अच्छा कोर्स है आपका फ्यूचर सिक्योर करने वाला कोर्स है तो ये होटल मैनेजमेंट कोर्स है क्या ये होटल मैनेजमेंट ऐसा एक कोर्स है जिसको आप लोग करके ये होटल मैनेजमेंट कोर्स खत्म होने के बाद जो आप लोगों को सर्टिफिकेशन मिलेगा वो सर्टिफिकेशन कर, करने के बाद आप लोग वर्ल्ड का कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं क्योंकि होटल मैनेजमेंट करने के बाद सिर्फ होटल इंडस्ट्री नहीं सिर्फ फाइव स्टार होटल्स में नहीं आप लोग कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं फॉर एग्जाम्पल आप लोग रिटेल्स में जॉब कर सकते हैं फिर आप लोग एयरलाइंस में जॉब कर सकते हैं क्रूज लाइन्स में जॉब कर सकते हैं इवन आप लोग बैंक में जॉब कर सकते हैं गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं ओके okay? कहीं पर भी आप लोग जॉब कर सकते हैं और ये होटल मैनेजमेंट कोर्स जो है ये आप लोग क्लास टेंथ के बाद भी कर सकते हैं ट्वेल्थ के बाद भी कर सकते हैं हाँ लेकिन आप लोग अगर सेकेंडरी के बाद मतलब क्लास टेन के बाद अगर होटल मैनेजमेंट करते हैं तो ये होटल मैनेजमेंट कोर्स आप लोग डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं तो डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट कोर्स का भी कुछ पार्ट्स है पर्टिकुलर आप लोग क्यूलिनरी लेके भी आगे बढ़ सकते हैं पर्टिकुलर फूड एंड बेवरेज सर्विस लेके भी आगे बढ़ सकते हैं वैसे ही आप लोगों का डिग्री कोर्स भी है जो आप लोग क्लास ट्वेल्व के बाद कर सकते हैं फिर आप लोगों का एमबीए कोर्स है जो आप लोग कर सकते हैं ग्रेजुएशन होने के बाद मान के चलिए आप कोई भी एक स्ट्रीम लेके ग्रेजुएशन कंप्लीट कर चुके हैं थ्री इयर्स ओके okay, ग्रेजुएट हो चुके हैं आप एमबीए करना चाहते हैं होटल मैनेजमेंट लेके सो आप लोग इन होटल मैनेजमेंट कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं अदरवाइज आप लोग इन सेल्स एंड मार्केटिंग इन ह्यूमन रिसोर्स इन फाइनेंस कुछ भी कर सकते हैं ओके okay? तो एक जो मतलब आप लोगों को आप लोग बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाएंगे कि एक एक कोर्स होटल मैनेजमेंट का एक एक कोर्स तो अभी ये होटल मैनेजमेंट कोर्स जब आप लोग करते हैं अभी मैं डिग्री का बात बोलता हूं डिग्री में बहुत सारा कोर्स है लेकिन हर कोर्स ही अच्छा है कोई भी एक कोर्स करके आप लोग आगे बढ़ सकते हैं अभी तो न्यू न्यू बहुत सारा और भी बहुत सारा कोर्स निकल के आ गया है लेकिन आप लोग कोई भी एक कोर्स करके होटल मैनेजमेंट कंप्लीट कीजिए सर्टिफिकेशन लीजिए क्योंकि हर कोर्स कोई भी कोर्स आप लोग कर सकते हैं हर मतलब जितना भी कोर्स है जॉब गारंटेड कोर्स है जो भी कोर्स करेंगे उसके बाद आप लोगों को जॉब लगेगा ही लगेगा और 100% परसेंट सिक्योर और 100% परसेंट जॉब गारंटेड कोर्स है ये होटल मैनेजमेंट कोर्स तो इसमें अगर मैं बोलूं कि बी एच एस एम बैचलर डिग्री इन हॉस्पिटैलिटी मैनेजमेंट जो मैं किया था तो वो उस टाइम पे मेरे टाइम पे वो थ्री इयर्स का था और सिक्स मंथ्स का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग था ओके okay? लेकिन अभी वो कोर्स टोटल फोर इयर्स का या फोर इयर्स का हो चुका है और सिक्स मंथ्स टू वन ईयर का आप लोगों का इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग होता है इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग मतलब आप लोगों को uh, फाइव स्टार होटल में जाके इंडस्ट्रियल मतलब प्रैक्टिकली आप लोगों को ट्रेनिंग कंप्लीट करना पड़ता है और उसका वहां पर भी आप लोगों को होटल के तरफ से आप लोगों को सर्टिफिकेट मिलता है ओके okay? तो अभी बात आता है कि होटल मैनेजमेंट सबके लिए सही है क्या यस डेफिनेटली सबके लिए सही है मैंने सुना है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लड़की के लिए होटल मैनेजमेंट सही नहीं है तो आप लोगों के मन में जो गलत मिथ है ना इसको दूर भगाओ क्योंकि बोलने वाले बहुत सारे हैं लेकिन मैं इस इंडस्ट्री में सेफ है गर्ल्स के लिए भी सेफ है इंडस्ट्री ओके और बॉयज के लिए तो है ही है ओके और फ्यूचर स्कोप मतलब इसका जो स्कोप है ना ये कोर्स करने के बाद वो आउटस्टैंडिंग है जैसे मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आप लोग रिटेल्स में जॉब कर सकते हैं आप आप एयरलाइंस में में क्रूज लाइंस इवन लोग गवर्नमेंट जॉब्स भी कर सकते हैं फिर आप लोग बैंक में भी जॉब कर सकते हैं कहीं पर भी जॉब कर सकते हैं गाइस ये होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद सर्टिफिकेशन करने के बाद ओके तो अभी कौन सा कौन सा मेन डिपार्टमेंट है देखिए गाइस फोर मेजर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स है ओके सो so, सबसे पहला जो हम लोग होटल में एंटर करते हैं मेन एंट्रेंस से जब एंटर करते हैं जो रिसेप्शन लगा रहता है दिस कॉल्ड फ्रंट फ्रंट डिपार्टमेंट डिपार्टमेंट वो है उसके बाद जब हम लोग रेस्टोरेंट में जाते हैं रेस्टोरेंट में जाने के बाद जो खाना सर्व किया जाता है इट्स कॉल्ड फूड एंड बेवरेज सर्विस डिपार्टमेंट ओके उसके बाद जितना भी आप लोग रूम पे जाते हैं रूम का जितना भी डेकोरेशन इंटीरियर डेकोरेशन जितना भी बेड मेकिंग से लेके टोटल जो सजाया हुआ रहता है वो किसका काम है हाउस कीपिंग डिपार्टमेंट ओके और उसके बाद क्या आप लोगों के लिए जो खाना प्रिपेयर करता है फूड को जो प्रिपेयर करता है कौन सेफ क्यूलिनरी मीन्स किचन डिपार्टमेंट ओके फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट सो क्या क्या हो गया फ्रंट ऑफिस एफ एन बी सर्विस मीन्स फूड एंड सर्विस देन हाउस कीपिंग एंड फूड प्रोडक्शन ओके आदर्स डिपार्टमेंट्स है जैसे आपका ह्यूमन रिसोर्स देन आपका सेल्स एंड मार्केटिंग देन आपका फाइनेंस और भी बहुत सारे हैं, ओके जैसे आपका फैसिलिटी मैनेजमेंट जो आपका इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स हो गया ओके तो आप लोग ये सब मतलब जो मैं फोर मेजर ऑपरेशनल डिपार्टमेंट्स बोला उसमें आप लोग कर सकते हैं अपना स्पेशलाइजेशन उसी में करते हैं लेकिन आदर्श जितने भी डिपार्टमेंट्स में बोला जैसे आपका हो गया सेल्स एंड मार्केटिंग फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स उसमें भी आप लोग अपना आ, मतलब जॉब कर सकते हैं वहां पर भी आप लोग जॉब कर सकते हैं या इवेंट भी है इंक्लूडिंग इवेंट डिपार्टमेंट इवेंट्स वो बैंकवेट के अंदर में आता है तो ये एक तरफ से फूड एंड बेवरेज सर्विस का ही एक पार्ट हो गया ओके सो तो मैं टोटल आ, पहले भी ये सब कवर कर चुका हूं तो अगर आप लोगों को देखना है जानना है तो मेरे चैनल पे जाके आप लोग चेक कर सकते हैं ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है ओके okay, तो अभी के लिए इतना ही है और ये कोर्स करने के बाद या जॉब गारंटेड है कि नहीं है हंड्रेड परसेंट जॉब गारंटेड है और कहाँ कहाँ पे जॉब लगता है आप लोगों का जॉब लगता है कहीं पर भी ऑल ओवर वर्ल्ड में कहीं पर भी क्योंकि सिर्फ इंडिया में सिर्फ इंडिया में ही नहीं गाइस क्योंकि अभी टोटल जितना भी मतलब वर्ल्ड का हर जगह पे बहुत सारे फाइव स्टार होटल्स हो रहे हैं ओके सिर्फ फाइव स्टार नहीं सेवन स्टार्स भी होटल होटल्स हो, हो रहे हैं तो डरने का बात नहीं है बहुत सारे एम्प्लॉयज चाहिए इसीलिए होटल इंडस्ट्री का डिमांड बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है बहुत ही ज्यादा पैसेंड्रिवेंस इंडस्ट्री है और अगर अच्छे से काम करेंगे तो बहुत आगे तक जाएंगे और अगर फॉरेन कंट्रीज में जॉब करना है तो सैलरी इतना ऐसा मैं तो बोलूंगा ऐसा क्योंकि सैलरी बहुत अच्छा है और इंडिया में जो लोग करते हैं बोलते हैं कि सैलरी कम होता है सैलरी कभी भी कम नहीं होता है या आपका स्टार्टिंग सैलरी मैं मानता हूं फोर्टीन थाउजेंडीन थर्टीन टू फोर्टीन थाउजेंड फिफ्टीन थाउजेंड होता है लेकिन वो एक्चुअल आपका सैलरी नहीं होता है वो तो एक आपको महीने के एंड पे मिलता है ऊपर से आपका पी एफ, ओके जो आपका प्रोविडेंट फंड है वो आपका जमा होता है फिर क्या होता है फिर पी छोड़ के आपको इंसेंटिव मिलता है सर्विस चार्ज मिलता है ओके okay? टिप्स मिलता है सो so, ऐसे फिर बहुत सारे प्रोसेस है गाइस बहुत सारे प्रोसेस है अगर आप लोग इंडस्ट्री में आएंगे होटल मैनेजमेंट कोर्स करने के बाद तो बहुत सारे है पैसा कमाने का ओके okay? बहुत सारे तरीके हैं पैसा कमाने का और स्टार्टिंग में जो आपका सैलरी है थोड़ा ना वो वही सैलरी रहता है वो भी वो बढ़ते रहता है सिक्स मंथ्स फोर मंथ्स मैंने अपना जो फर्स्ट इंक्रीमेंट किया था वो फोर मंथ्स में फोर मंथ्स में मैंने मेरा फर्स्ट इंक्रीमेंट लिया था ओके okay? तो बहुत जल्दी ग्रो कर सकते हैं इस इंडस्ट्री में बहुत ही बहुत ही फर्स्ट ग्रो कर सकते हैं और मैं अपना पर्सनली बोलू तो मैं जैसे देगा इसकी आ, मतलब क्या आ, मैं भी एक आप लोगों के जैसे आ, मतलब नॉर्मल बंदा हूं ओके okay? कोई हाई लेवल कोई हाई फाई घर से नहीं बिलोंग करता हूँ uh, मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली से ही बिलोंग करता हूँ लेकिन एक चीज था जो मेरे में था वो है मेरा जिद ओके जिसके कारण मैं ये सर्टिफिकेट uh, लिया मतलब होटल मैनेजमेंट कोर्स uh, किया होटल मैनेजमेंट कॉलेजेस से पास आउट हुआ उसके बाद मैंने फाइव स्टार होटल में जॉब किया ओके मेरे को भी न्यू लगा था मैं एक स्मॉल टाउन से जाके एक इतना बड़ा फाइव स्टार होटल में पहला बार ओके लेकिन सब कुछ सही हो गया सब कुछ सही हो गया काम करते करते लोगों से मिलते मिलते घुल मिल गया और जब यही मैं बताना चाहता हूं कि मैं अगर कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं डेफिनेटली कर सकते हैं और ये इंडस्ट्री बहुत अच्छा इंडस्ट्री है अभी अगर फाइव स्टार का बात बोलू फाइव स्टार होटल का अगर बात बोलूँ तो उस फाइव स्टार होटल में जितना पैसे का खाना मैं खाता हूं ना तो जो अलग स्ट्रीम का बंदा है चाहे वो डॉक्टरी क्यों ना हो चाहे वो इंजीनियरिंग क्यों ना हो कभी प्रेफर नहीं कर सकता है क्योंकि एक फाइव स्टार होटल्स मतलब एक फाइव स्टार होटल में अगर आप लोग जाते हैं तो उस फाइव स्टार होटल में एक कप कॉफी या एक कप टी का दाम ही आपका प्राइस कितना होता है फाइव हंड्रेड रुपीज़ वन थाउजेंड रुपीज एट हंड्रेड रुपीज़ ऐसा चार्ज होता है ओके सो so, खाना अगर मैं बोलूँ तो और भी ज़्यादा राइट और भी ज्यादा होता है खाने का प्राइस सो so, मैं जो खाना एवरी डे उस फाइव स्टार होटल में खाता हूं ना किसी किसी का सपना हो सकता है किसी किसी का सपना होता है ओके तो ये चीज ध्यान में रखना और आप लोग भी कर सकते हो मैं भी जैसे मैं भी कर सकता हूं तो आप लोग भी कर सकते हैं मैं भी आप लोग ही आप लोग जैसा ही मैं सिंपल मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग कर, करता करता हूं ओके तो मैं यही बोलना चाहता हूँ इंडस्ट्री बहुत अच्छा है इंडस्ट्री बहुत ही ज्यादा सिक्योर इंडस्ट्री है और बहुत ही आ, मतलब एक फाइनेंशियल फ्रीडम दे सकता है ये इंडस्ट्री आपको ओके फाइनेंशियल फाइनेंशियली भी आपको फ्री कर सकता है आपको लक्स आपको लग्जरी लाइफस्टाइल भी दे सकता है और आपका पूरा जितना भी जो सपना आप लोग देखते हैं वो भी पूरा कर सकता है ये ये इंडस्ट्री एक, ये ऐसा ही एक इंडस्ट्री है तो यही है और कुछ नहीं तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज इसको लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि उन लोगों का भी जो गलत माइंड सेट है ना जो गलत मिथ में वो लोग जी रहे हैं वो माइंड सेट दूर हो जाए ओके और अगर चैनल पे पहले बार आए तो सब्सक्राइब कीजिए और आइकन को भी प्रेस कीजिए क्योंकि मैं एवरी डे एवरी डे नहीं हफ्ते में दो दिन या एक दिन आ, मैं ऐसा वीडियो में लाते रहता हूँ होटल इंडस्ट्री का जो ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है और होटल मैनेजमेंट का ए टू जेड इन्फॉर्मेशन है वो मैं कवर करता हूँ इस चैनल में जो अगर आप लोग फॉलो करेंगे तो आप लोगों को बहुत ही ज्यादा बेनिफिट मिलेगा तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लव यू ऑल बाय बाय